हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी दम चिकन रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, ऐड करेंगे 7 से 8 काजू और 5 से 6 आलमंड। अब थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से धो के कढ़ाई में डाल देंगे। ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 3 हरा मिर्च, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 1/2 कप दही। अब ऐड करेंगे फ्राई ऑनियन, जिस ऑयल में ऑनियन को फ्राई कहते हैं उस ऑयल को ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 4 छोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब ऐड कर देंगे काजू और आलमंड का पेस्ट। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डाल के धो के डाल देंगे। अब ऐड करेंगे बारीक कटे हुए धनिया पत्ता। अब ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम में कढ़ाई को चढ़ा देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाई फ्लेम में ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पाँच मिनट बाद ढक्कन खोल के ऐड करेंगे 1 चम्मच दूध में मैंने 1 ड्रॉप फूड कलर ऐड कर दिया है। आप चाहे तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हो। ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अब ढक्कन बंद करके लो फ्लेम में 20 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 20 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल के ऐड करेंगे 3 हरा मिर्च, मिर्चा आप ज़्यादा कम कर सकते हो, 1/2 कटे हुए धनिया पत्ते ऐड करेंगे। अब हैदराबादी दम चिकन बनकर तैयार है। एक बॉल में खाली कर लेंगे। इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल, पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से ऐड करेंगे 3 हरा मिर्च और 1/2 कटे हुए
थोड़ा सा धनिया पत्ता, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।